Hey guys, this is Rajkadam and I'm back with another video. So this is going to be my third episode of Road to Amateur Olympia series and अभी मैंने second episode edit करके post किया है. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा, you can watch here और here card में या फिर description में link भी होगी. So do watch it and hope so आपको starting की edit अच्छी लगी. I gave my 100%. रुको, वो पानी का आवाज़ आ रहा है. I will shut the. हाँ, अब थोड़ा silent हुआ. अगर नॉइज स्टिल आ रही है सो प्लीज़ इग्नोर इट. एंड मैं माइक भी जल्दी परचेस करने वाला हूँ. मैं कॉलेज से आया सुबह, सो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और एडिटिंग करने वाला हूँ. एंड अभी थोड़ी देर बाद मुझे मॉम को कपड़े धोने के लिए भी देने हैं, बिकॉज सब पैक करके कल मुंबई को निकलना है. थोड़ी देर बाद जिम को जाने वाला हूँ प्री वर्कआउट मिलने के, ब्लैक कॉफ़ी पी के. आज कुछ शूट नहीं करने वाला, बट कल सुबह मैं जिम को जाने वाला हूँ, वो शूट करूँगा. कल लेग वर्कआउट होगा, सो वो अच्छा एडिट करने वाला हूँ मैं. एक्चुअली मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है अभी शूट करने के लिए, सो आई हैव टू एडजस्ट विद द ट्राइपॉड एंड एडिटिंग इसलिए अच्छी नहीं होती. होप सो आप एडजस्ट कर लोगे एंड डोंट वरी, आई विल गिव माई 100%. एंड आज बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, सो होप सो कि कल बारिश ना हो, बिकॉज मुंबई को जाते वक्त अगर रोड में बारिश हुई तो वी हैव टू वेट समवेयर एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. अभी मैं फटाफट से तैयार होके जिम को जाता हूँ. गुड मॉर्निंग गाइज. तो अभी जस्ट उठा एंड अभी जिम जाने वाला हूँ, बिकॉज आज रात को जिम मिस होने वाली है, बिकॉज वी विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई. तो अभी पहले जिम जाऊंगा एंड आज लेग वर्कआउट होने वाला है, बिकॉज इट्स थर्सडे एंड आज लेग डे. तो अभी उठ के मैंने सबसे पहले मेरे सारे टेक स्टफ था वो चार्जिंग पे लगाया, जैसे कि मैकबुक, वो हेडफोन्स एंड मेरी पावर बैंक जो मैंने नई ली थी. सो इट्स मी पॉकेट पावर बैंक प्रो. इसकी अनबॉक्सिंग आपने पहले देखी होगी, ये मुझे गिफ्ट दी थी पापा ने. आई गेस उसका वीडियो अभी तक मैंने नहीं डाला. एंड वो जो पॉकेट की एमआई की पावर बैंक है, दैट्स एक्चुअली अ फास्ट चार्जिंग पावर बैंक जो मेरे आईफोन को फास्ट चार्ज करेंगी एट 18 वोल्ट. सो दैट्स गुड, बिकॉज मेरी बैटरी आईफोन की ख़राब हो चुकी है. इट्स बीन 4 ईयर्स जब से मैंने आईफोन लिया, तो जब तक मैं जिम से आता हूँ तब तक पूरा चार्जिंग हो जाएगा. एंड जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट दिस इज़ लाइक माई न्यू ऑब्सेशन, ये ओवर साइज टी शर्ट्स. Hope so you can see. मैं मिरर में दिखाता हूँ. वेट, सो रिसेंटली आई एम सुपर ऑब्सेस्ड विद दिस ओवर साइज टी शर्ट जो अभी ट्रेंड में, एंड इट्स टू कम्फर्टेबल. मतलब मैं सोता भी इसमें हूँ एंड आजकल जिम में भी यही पहनता हूँ. एंड ये एक्चुअली मेरे पास ऐसी ही पड़ी थी जो ओवर साइज थी, एंड ये इससे 3 ईयर्स हो गए शायद. आई वॉज बिगर दैट टाइम, तब मुझे ये मतलब ठीक ठाक बैठती थी, बट अभी ये ओवर साइज हो गए बिकॉज मेरी साइज कम हो गए. एंड प्रिंस यहाँ पे, सो रोज प्रिंस को दिखाता हूँ, बट उसे ठंडी लग रही है सो वो बैठा है. एंड अभी फटाफट से जिम को निकलते हैं एंड एंजॉय द एडिट, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि एडिट अच्छी आने वाली है. इट माइट बी अ लेंथी वर्कआउट बट आपको अच्छा लगेगा, सो डोंट स्किप इट. एडिट इन 3, 2, 1.
अभी नहा के आया एंड जो क्लोथ्स थे मॉम को धोने को देते वो यहाँ पे जिम का भी निकाला है वो सब टेक का, बट अभी और चार्जिंग लगना है एंड लाइट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये सब मैंने निकाला है। बट इसमें से 50% तो मैं नहीं लेने वाला बिकॉज इतने सब की 3 दिन के लिए ज़रूरत नहीं है। एंड अभी पैकिंग करता हूँ, अभी आपको टाइम लैप्स एक छोटा सा डाल दूंगा सो आप वो देख लो। एंड एक टिप कि आप जो भी लेके जा रहे हो उसका एक तो फोटो निकाल के रखो, नहीं तो फिर आपके नोट्स ऐप में कहीं पे तो लिख के रखो कि आप क्या क्या लेके जा रहे हो। बट टी शर्ट हैंड शर्ट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपकी महंगे चीज़ें हैं लाइक लैपटॉप पावर बैंक एक्सेट्रा फोन्स वो सब वो लिख के रखो बिकॉज यू वोंट फॉरगेट इट देयर, आप चेक करोगे लिस्ट से। सो अभी पैकिंग करता हूँ मैं। तो मुझे इन दो बैग में भरना है, इसमें सारे कपड़े आने वाले हैं एंड इस बैग में मेरे टेक रिलेटेड और इम्पोर्टेंट स्टफ आने वाला है। वी आर ऑल रेडी टू गो एंड इसका तो ये कभी रेडी नहीं होता, इससे बस खेलना है बस खेलना है। सो अभी हम जाने वाले हैं, मम्मी को पुसौली में छोड़ने जाते हो एंड वहाँ से डायरेक्टली हम मुंबई को निकलेंगे। सो लेट्स गो। मम्मी को छोड़ा पुसौली में एंड मेरे भाई को ले आए, इसे पुणे छोड़ना है हॉस्टल के लिए एंड मेरे पापा और वो अभी निकलने वाले पुणे के लिए। सो लेट्स गो। तो अभी 6 बज रहे एंड अभी वो देख के मुझे हंस रहा है। अभी 6 बज रहे तो अभी खाने के लिए रुके हो, मतलब मैंने ऑब्वियसली भुर्जी एंड चपाती, सो आई एम गोइंग टू इट इट नाउ एंड पापा गाड़ी लेने वाले हैं सो वो निकलता हूँ अभी। सो दिस इज़ माई सेकेंड एंड थर्ड मील, मतलब जो मैं 4 बजे खाता हूँ प्री वर्कआउट में एंड डिनर, तो ये 10 एग की भुर्जी रहेगी एंड 2 चपाती एंड दिस इज़ समथिंग गुजराती स्टफ जो मुझे पता नहीं है, बट वो चपाती के जगह पर मैंने लाया। सो गोइंग टू इट नाउ एंड आप आगे का जो सिनेमेटिक शॉट्स रहेंगे बी रोल रहेगा वो एंजॉय करो।
तो अभी जयदीप मेरे भाई का पूरा जो भी मटेरियल था वो उसके रूम पे रखा, बिकॉज वो कॉलेज को पढ़ने के लिए पुणे में है, एंड वहाँ पे रखा एंड वहीं पे हमने डिनर किया। एंड अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, जो ब्लॉग अभी आप देख रहे हो वही मैं एडिट कर रहा हूँ, और ये पूरा एडिट होके कल तक लाइव हो जाएगा। सो होप सबको अच्छा लगेगा। एंड अभी पुणे से एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई जाने वाले हो, सो आगे का ब्लॉग एंजॉय करो। सो अभी ज़्यादा भी रोज नहीं डाले थे मैंने, बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा था एंड आई हैव रीच माई डेस्टिनेशन। तो अभी मैंने देखा होगा कि पटेल हाईलाइट्स में रुकने वाला हूँ मैं, मेरे पापा के फ्रेंड के पास। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो पीस।